और दूसरा हमारे पास है टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, तो कट थ्रोट से हम स्टार्ट करते हैं। और मैंने आपको है ना आपके सीआर से भी बात की थी, हम लोग पीछे से दोबारा से थोड़ा सा हमारा रिपीट भी हो जाएगा और उसके साथ साथ हमारे कोर्स में भी थोड़ी जो है वो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। मैंने यही सेम जो हमारी प्रेजेंटेशन है ये इसको मैंने अपने ई पोर्टल के ऊपर भी शेयर कर दिया है, तो आप लोग वहां से ले लेना। ठीक है, ओके। कट थ्रोट के अंदर हमारे पास जो है जो पोजीशन है वो ये है कि कट थ्रोट ये एक इंसाइज वाउंड है। इट इज अ काइंड टाइप ऑफ इंसाइज वाउंड। इंसाइज वाउंड हम उसे कहते हैं जो कि किसी शार्प कटिंग वेपन के साथ जो है वो कास किया गया हो। अच्छा, कट थ्रोट के अंदर हमारे पास जो मेडिकल लीगल एस्पेक्ट है उसका वो ये है कि हमें ये देखना है कि इसके अंदर ये सुसाइडल है या हमारे पास सुसाइडल है, एक्सीडेंटल है, या फिर ये जो हमारा कट थ्रोट का जो ये जो इंजरी है, या फिर ये जो है वो होमोसिडल है, यानी कि किसी ने इसको बंदे को कत्ल किया है या इस बंदे ने खुद जो है वो खुदकुशी की है, क्या पोजीशन है। तो इस पोजीशन को क्लियर करने के लिए जो है इसको हम मेडिको लीगल एस्पेक्ट इसका जो है वो एग्जामिन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर जो चीजें सबसे पहले नोट करने वाली होती हैं वो ये होती है कि अगर तो ये जो है वो सुसाइडल होगा तो ये डाउनवर्ड डाउनवर्ड होगा और राइट हैंड की तरफ होगा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा, राइट की तरफ होगा। और ये जो है, मैं भाई आप सब लोगों को म्यूट कर रही हूँ क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत शोर आ रहा है और कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये उसकी वजह से जो है बड़ी गड़बड़ हो रही है। दोबारा से मैं इसको जो है तो अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है आके, तो हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं टॉपिक, आप लोगों को जहन में होगा जरूरी है। जब हम इंजरीज वगैरह पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये वाला टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन मैं दोबारा स्टार्ट करवा लूँ, थोड़ा हमारा रिपीट भी हो जाएगा और साथ के साथ जो है रिपीट होने के साथ साथ हमारा ये टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो जाएगा हमारे कोर्स टाइम में। ये वीक 9th में जो है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वीक 9 से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो ये वीक 9 के अंदर हमारे पास ये टॉपिक है और इसको हम दोबारा से पढ़ रहे हैं। सो द कट थ्रोट इज अ टाइप ऑफ इंजरी विच इज इनसाइज। इनसाइज मीन्स इट इज कास्ट थ्रू अ शार्प कटिंग वेपन। और इसका जो मेडिको लीगल जो एस्पेक्ट है हमारे पास वो ये है कि इसमें हम सिर्फ तीन चीजें एग्जामिन करते हैं। नंबर वन, क्या ये जो इंजरी है वो होमोसिडल है या ये सुसिडल है, या फिर जो हमारे पास इंजरी है ये एक्सीडेंटल है। इसमें जो है ये दो तीन चीजें एग्जामिन की जाती हैं, इस वजह से इसको डिस्कस करना जो जरूरी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अगर ये सुसाइडल होगी तो इसमें हेजिटेशन मार्क्स होंगे, क्योंकि इंसान अपने आप को जब कभी भी इंजरी काज करने की कोशिश करता है तो उसके अंदर जाहिर है उसके हाथ जो है वो हेजिटेट होते हैं और वो प्रॉपर तरीके से काम रहे होते हैं, बल्कि काम नहीं कर पा रहे होते हैं, हेजिटेशन मार्क्स होते हैं। और एक से ज्यादा जो है वो इंजरीज होती हैं, कट्स होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं, ऊपर ऊपर वाले हिस्से के अंदर, और उसकी डायरेक्शन जो होती है अपवर्ड से डाउनवर्ड होती है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर ये जो है होमोसिडल होगा, यानी किसी और ने इसको मर्डर जो है वो इंजरी काज की होगी बंदे को, तो उसके अंदर क्या होता है कि पोजीशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। पोजीशन ये होगी कि वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन की तरह होगा और सिंगल जो है वो उसके अंदर इंजरी होगी, नॉट मोर देन सिंगल इंजरी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हम हमारे पास आज दो टॉपिक है हमने कवर करने, हमारी कल भी क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सुसाइडल होमोसाइडल एंड कट थ्रोट क्या है, फीचर्स में क्या होगा। ये फीचर में सबसे पहले जो हमारी इसके अंदर सिचुएशन है वो ये होगी कि सुसाइडल अगर ये इंजरी है तो इट विल बी स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट एंड पास फ्रॉम फ्रंट एंड इट विल बी एंड एट राइट हैंड, यानी उल्टे हाथ से शुरू होगी, फिर दरमियान से होती हुई दरमियान में से गहरी हो जाएगी और फिर जाकर सीधे हाथ की तरफ ये खत्म हो जाएगी।
ठीक है, और अगर होमिसाइडल होगी तो क्या होगा? वन साइडेड होगी ये, और बिल्कुल जो है थ्रो एंड थ्रो, और सीधा कट होगा बिल्कुल ये। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट का लेवल क्या होगा? लेवल ये होगा कि अगर ये सुसिडल है तो जो हमारी थायराइड यानी बीच के अंदर एक गुठली सी होती है, तो इसको हम थायराइड कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जो है ये ऊपर का हिस्सा होगा और फेस के बिल्कुल करीब होगा ये हिस्सा। और अगर ये होमोसिडल है तो इसकी पोजीशन ये होगी कि ये ऑन और बिलो क्या होगा, यानी ये ऊपर की तरफ भी होगी, नीचे की तरफ भी हो सकती है, लेकिन क्या होगा ज्यादातर जो केसेस के अंदर है, मोस्ट ऑफ टाइम्स वो दरमियान के अंदर ये कट होता है। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? तो अगर ये सुसिडल केस है तो इसमें डायरेक्शन जो है अबव डाउनवर्ड एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। और अगर ये होमोसिडल केस है तो ट्रांसवर्स होगी, ट्रांसवर्स यानी कि सीधी सीधी होगी, और उसके अलावा जो है बिलो से अपवर्ड भी हो सकती है, लेकिन इस तरह से एक बाकायदा स्लैश की तरह उसका जो है वो डायरेक्शन नहीं बनेगी। अब आ जाते हैं हम थर्ड और फोर्थ पॉइंट की तरफ, एजेस। एजेस यानी जो उसके एंड्स होंगे, फ्रॉम स्टार्ट टू फ्रॉम और एंड वाला जो एज है, एजेस जो होंगे वो रैग्ड होंगे। रैग्ड का मतलब क्या होगा? ये रैग्ड का मतलब होता है कुचला हुआ होना, या एक से ज्यादा बार वहां पर कट होंगे और वहां पर हेजिटेशन मार्क्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो होमोसिडल केस होगा उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, वहां पर शार्प क्लीन और सिंगल, मोस्ट ऑफ टाइम सिंगल कट होता है उसका। अच्छा, हेजिटेशन कट्स जो होंगे मल्टीपल होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, नीचे की यानी डिफरेंट जो है पार्ट्स पर ये पाए जाएंगे। और जो कि होमोसिडल केस के अंदर ऐसा नहीं होगा। और सीवियरिटी की अगर हम बात करें, यानी वो गहरा कितना होगा कट, तो जो सुसिडल होगा वो लेस से सीवियर होगा और इतना ज्यादा गहरा नहीं होगा। और अगर हम बात करें होमोसिडल की, तो होमोसिडल केस जो होगा उसके अंदर ये बहुत ज्यादा सीवियर कट होगा और बहुत ज्यादा डेप्थ होने होगा, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम नीचे टेलिंग की तरफ। तो टेलिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एंड की तरफ किसी भी चीज का जाना। तो जब कभी भी टेलिंग अगर हम देख उसकी टेल देखें, तो टेल जो है वो सुसिडल केस के अंदर टेल नहीं होगी, जबकि इसके अंदर सारे पार्टिसिपेंट्स, हाँ अब आ जाते वापस। यस, टेलिंग अगर हम देखें, टेलिंग का मतलब होता है उसका लंबा हो जाना और बिल्कुल आखिरी एंड की तरफ उसका पतला हो जाना, उसको अगर हम देखें तो टेलिंग होमोसिडल केस में नहीं होगी बल्कि सुसिडल केस में ये प्रेजेंट होगी हमारे पास। अच्छा, अब आ जाते हैं वेसल्स। तो कौन कौन सी वेसल्स कट हुई होंगी इसमें? तो जो सुपरफिशियल के वेसल्स होंगी वो सिर्फ जो है होमोसिडल केस में कट होंगी, कैरोटिड आर्टरी नहीं कट होगी, जगलर आर्टरी जो है वो कट हो जाएगी। जगलर क्योंकि ऊपर होती है और जो कैरोटिड होती है वो थोड़ा डेप्थ में होती है, ठीक है। जगलर जो है वो वेन है और कैरोटिड जो है वो आर्टरी है। आर्टरी उसे हम कहते हैं जो खून को ले जाती है, और वेन हम उसे कहते हैं जो ब्लड को वापस लाती है टूवर्ड्स लंग्स एंड हार्ट, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम उसमें, ये अभी भी आ ही रहे हैं स्टूडेंट्स, ज्वाइन किए जा रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारी जो स्लाइड है उस पे। तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं कि नो वाउंड मल्टीपल 20 टू 30 सुपरफिशियल वाउंड्स हो सकते हैं इसमें, और जबकि होमोसिडल में नहीं होंगे। डिफेंस वाउंड्स जो होंगे, जाहिर है सुसिडल केस में कोई डिफेंस वाउंड नहीं होगा, हाथों पर पैरों पर फेस पर किसी भी जगह नहीं होगा। जबकि अगर बंदा होश में है, इफ अ पर्सन इज नॉट अनकॉन्शियस, तो जो डिफेंस वाउंड है वो होमोसिडल केस में होंगे। अच्छा, वाउंड ऑफ अदर पार्ट्स इन साइज मे बी रिस्ट थाई, यानी कि अगर इंसान खुदकुशी कर रहा है तो वो हो सकता है कि पहले सबसे पहले अपनी कलाई काटने की कोशिश करे, या अपनी जो वेन्स हैं थाई वेन्स हैं उनको काटने की भी कोशिश कर सकता है, वहां पर भी ये कट्स हो सकते हैं। और
अगर जो है वो सुसाइडल हो गया तो वो सीवियर इंजरीज होंगी उसको जिस्म के दूसरे हिस्सों पर, लेकिन अगर वो सुसाइडल है तो फिर वहां पर सीवियर इंजरी जिस्म के दूसरे हिस्से पर नहीं होगी बल्कि वो सुपरफिशियल होगी और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो टूवर्ड्स जो है वो विक्टम होगी, टूवर्ड्स विक्टम। अब आ जाते सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट है वाउंड। अच्छा, वेपन्स कौन से होंगे, वेपन्स का क्या पोजीशन, वेपन की पोजीशन ये होगी अगर सुसाइडल केस है तो ऑब्वियसली वेपन जो है वही उसी जगह प्रेजेंट होगा जहां पर बॉडी प्रेजेंट होगी, ठीक है। और सुसाइडल केस के अंदर तो आपको या तो अरीब करीब से मिल जाएगा, वहां पर वेपन वही प्रेजेंट होगा, रिकवर हो जाएगा एट टाइम। और जबकि जो सुसाइडल सॉरी होमसाइडल केस होगा वहां पर जो वेपन है वो वहां प्लेस ऑफ इंसिडेंट पर नहीं होगा। और अब आ जाते कैडावेरिक स्पेसिफिक, हमने जो है वो उसके अंदर डिस्कस किया था कि जो कैडावेरिक स्पेसिफिक है उसकी वजह से, क्योंकि इंसान खुदकुशी कर रहा होगा तो उसमें जाहिर सी बात है वो मेंटल शॉक का शिकार भी लाजमी होगा, तो उसमें जो वेपन होता है वो ग्रिप हो जाता है, ग्रैप्स हो जाता है, यानी कि वो हाथों के अंदर बुरी तरह से फंस जाता है, बल्कि उंगलियों को काट कर उसको निकालना पड़ता है कैडावेरिक स्पेसिफिक की वजह से। और जबकि होमोसाइडल केस में जो है वो कैडावेरिक स्पेसिफिक जो है वो बहुत ही कम चांसेस है उसके होने के, और ये फ्रेगमेंट्स जो है वो पूरे फ्रेगमेंट ऑफ क्लॉथ एंड हेयर्स यानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर जो है वो बल्कि चीजें जो है वो उसके निशानात मिल सकते हैं। अच्छा, ब्लड स्टेंस की बात करें तो ब्लड स्टेंस फ्रंट में होंगे अगर सुसाइडल केस होगा, क्योंकि इंसान जब अपने आप को कट लगाता है तो वो ज्यादातर स्टैंडिंग पोजीशन में होता है मोस्ट ऑफ टाइम्स, या फिर वो सिटिंग पोजीशन में होता है, तो फ्रंट के आगे आगे वाले कपड़ों के ऊपर जो है वो उसको ज्यादातर ब्लड स्टेंस होते हैं। अगर तो होमिसाइडल केस है तो उसमें क्या होता है कि ब्लड स्टेंस स्लीपिंग कंडीशन के अंदर हो सकते हैं, पूरे जहां पर भी वो स्लीपिंग कंडीशन में होगा तो उसकी साइड्स पर, पाम, हाथों पर और बहुत सारी जगहों पर जो है वो ब्लड हो सकता है कि स्कैटर्ड हो पूरे कमरे में, जहां पर उसकी बॉडी मिले हर जगह पर, तो इस वजह से जो है वहां पर ब्लड जो है वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम, क्लॉथ्स की अगर हम बात करें तो जब सुसाइडल केस होगा उस सूरत हाल में जो क्लॉथ्स होंगे वो बिल्कुल भी डैमेज नहीं होंगे, डिसअरेंजमेंट्स नहीं होंगी उसमें और बिल्कुल साइलेंट होगी हर चीज। जबकि अगर होमोसाइडल केस होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि तमाम के तमाम जितने भी क्लॉथ्स हैं वो सारे डिसअरेंज हुए हुए होंगे और टीयर्ड होंगे, फटे हुए भी हो सकते हैं जगह जगह से। अच्छा, आगे आ जाते हैं सर्कमस्टेंसेस, जो जिस जगह पर भी ये प्लेस ऑफ इंसिडेंट होगी तो वहां के सर्कमस्टेंसेस की अगर हम बात करें तो सुसाइडल केस में सर्कमस्टेंसेस विल बी क्वाइट, खामोश होंगे बिल्कुल, और मे बी के जो सुसाइड कमिट की गई हो इन फ्रंट ऑफ मिरर हो, और डिस्टर्बेंस जो होगी वो एट सीन के ऊपर उस वक्त होगी अगर केस जो है वो होमिसाइडल होगा तब। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये वाला हमारा टॉपिक हो गया, अब हम टॉक्सिकोलॉजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। हमारा जो है इस वीक के हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक हमारा था कट थ्रोट का, वो हमने कर लिया, अब हमारे पास टॉक्सिकोलॉजी का। मैं अपना टॉपिक कंप्लीट करूंगी फिर क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाए, फिर मैं आप सब लोगों के जो माइक्स हैं उनको अनम्यूट कर दूंगी, आप लोग कुछ सवाल कर लीजिए। अच्छा, अब टॉक्सिकोलॉजी के अंदर अगर जो है ना, हमने पहले ही ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वैसे तो टॉपिक, लेकिन हम इसको फिर से स्लाइड भी पढ़ते हैं। टॉक्सिकोलॉजी हम कहते हैं उस नॉलेज को जिसका ताल्लुक पॉइजन के साथ हो, पॉइजन सब्सटेंसेस के साथ हो। टॉक्सिकोलॉजी ये जो है दो इसकी जो टाइप्स हैं, इट हैज टू टाइप्स, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी है जो कि डॉक्टर्स से रिलेटेड है, उसके साथ हमारा वास्ता नहीं। क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी इज फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एंटीडोट्स और फॉर द पर्पस ऑफ मेडिसन्स होती है, और
स्टडी पर्पस के लिए भी हो सकती है, लेकिन जो फॉरेंसिक मेडिसिन है इसका ताल्लुक जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ के साथ है। तो हम जो पढ़ेंगे वो होगी फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अच्छा, इन पार्ट ऑफ वर्ल्ड कुछ जो पॉइजन्स हैं वो बिल्कुल इजी टू डिटेक्ट होते हैं, और कुछ पॉइजन्स जो है वो बहुत मुश्किल से डिटेक्ट हो पाते हैं। अब वो कौन से होते हैं जो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं आसानी से, जैसा कि आप देखेंगे कोई आमतौर पर जो आप घरों के अंदर चूहे मारने की दवाइयां पड़ी हुई होती हैं हमारे पास, कीड़े मारने की दवाइयां पड़ी होती हैं, या फिर खेतियों के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं स्प्रे वगैरह, इस तरह की जो चीजें होती हैं, तो वो कॉमनली डिटेक्टेड जो है वो पॉइजन्स होते हैं, उनको आसानी से जो है आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा, डील्स विद द मेडिकल फॉरेंसिक जो टॉक्सिकोलॉजी है डील्स विद द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस ऑन ह्यूमन बॉडी, और उसका उसके अंदर उसकी लीगल पनिशमेंट और उसका आइडेंटिफाई होना और उसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसको देखा जाएगा, ठीक है। और किसास एंड दियत के तहत इसको डील किया जाता है इन केसेस को। ये हमारे पास पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर इसका सेक्शन 337J है, और ये सेक्शन हमारा क्या कहता है, हु एवर एडमिनिस्टर टू और कास्ट टू बी टेकन बाय एनी पर्सन एनी पॉइजन और एनी स्टुपिफायर बाइंग इंटॉक्सिकेटिंग और अनहोलसम ड्रग और सच अदर थिंग्स विद इंटेंट टू काज हर्ट टू सच पर्सन और विद इंटेंटेड टू कमिट और टू फैसिलिटेट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और नोइंग is to be likely that he will hereby cause hurt may in addition to the punishment of harsh or daman provided for kind of hurt cause be punished having regard to the nature of hurt caused with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years। लेकिन और अगर बंदे की डेथ हो जाती है उससे, अगर मौत वाकई हो जाएगी तो फिर उसके साथ मैडम जी जी मैडम जी जी मैडम स्लाइड चेंज कीजिएगा। मैडम स्लाइड चेंज करें। हाँ स्लाइड चेंज करें, स्लाइड तो वैसे भी चेंज होगी, अभी कंप्लीट हो गई। एक मिनट पहले हम अलाउ कर दें, बहुत सारे लोग अभी भी आ जाते हैं सेकंड पे। पॉइजन, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच व्हेन एडमिनिस्टर्ड इनहेल्ड और इंजेस्टेड कैपेबल ऑफ एक्टिंग डेलीटरसली on human body almost anything is poison, no boundaries between drugs and poison। अभी जो फिलहाल हमारे पास जो सिचुएशन है वो ये है कि किसी भी सब्सटेंस को एज अ पॉइजन यूज किया जा सकता है इफ इट इज रिएक्टिंग टू समवन, यानी अगर किसी शख्स के लिए कोई भी सब्सटेंस हार्मफुल है, यानी उसको एलर्जी है उसके साथ और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो वो उसके लिए पॉइजन हो सकता है। तो ड्रग्स भी पॉइजन के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है, हमने क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। अब दोबारा भी मैं आपको बता देती हूँ कि ड्रग्स के अंदर बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो एज अ पॉइजन जो है वो यूज हो सकती है, जैसा कि अगर किसी की का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या वो ब्लड प्रेशर लो का पेशेंट है, उसको अगर हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी जाएगी तो वो उसके लिए पॉइजनस होगी। सेम वे में अगर किसी को जो है वो शुगर किसी की नॉर्मल रहती है और अगर उसको ऐसी मेडिसिन दे दी जाए, यानी जैसे हम पेंसिलिन की हुई आप उसकी बात इंसुलिन की बात करते हैं, वो दे दी जाए तो वो उसके लिए पॉइजन की ऐसे करती है। अच्छा, आप आगे चलते हैं। टॉक्सिनोलॉजी जो है इट डील्स साइंस विच डील्स विद द टॉक्सिन प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट्स एनिमल्स बैक्टीरिया फंजाई विच आर हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। टॉक्सिनोलॉजी जो है ये इसको पढ़ते हैं ज्यादातर डॉक्टर्स या फिर साइंटिस्ट जो कि आइडेंटिफाई करते हैं। जी जी मैम, वो स्लाइड चेंज कर रहे हैं, ऐसे समझ ही नहीं आ रहा। स्लाइड तो चेंज हो रही है साथ के साथ। नहीं नहीं मैम, आप नहीं हो रही, नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही है। आपके पास नेट कम होगा या स्लो होगा, मैंने तो यहाँ पर स्लाइड चेंज कर दी है। नहीं मैम, किसी के पास भी नहीं, नहीं हो रही। किसी के पास नहीं हो रही, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मैडम। मैम किसी के पास नहीं हो रही, मैम स्लाइड नहीं हो रही। आपके पास कौन सी स्लाइड है अभी? मैम वो नो वाउंड वाली जो है, 9 10 11 12
अरे तो आप मुझे वो पहले बताते कि ये आपके पास वही पुरानी स्लाइड ही है, अभी तक उसने उसको, अब आपके पास वही चेंज चले ठीक है। मैं ऐसा करती हूँ कि भाई शुरू से दोबारा, ये अभी क्योंकि ये स्लाइड का इशू हुआ है तो मुझे पता ही नहीं था कि स्लाइड अभी तक वही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से तो मैंने चेंज कर दी थी, मैंने अभी दोबारा वापस चेंज किया है, पर नेटवर्क की वजह से नहीं हुई, क्या वजह हुई समझ नहीं। चलें फिर ये फिर स्टार्ट पे चलते हैं वापस फिर। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आप टॉक्सिकोलॉजी की वो स्लाइड पढ़ चुके हैं, इसलिए आप दूसरी मांग कह रहे हैं कि चेंज कर देते हैं। अच्छा चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं फिर दोबारा। ये तो हमने पढ़ लिया है फॉरेंसिक से, ये हो गया था, ये हो गया। चले ये दो हमने जो किस्में डिस्कस की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी, एक क्लिनिकल हो गई, एक फॉरेंसिक वाली हो गई। हम लोग कौन सी पढ़ रहे हैं, हम अभी फॉरेंसिक वाली पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 337 जे है, पाकिस्तान पेनल कोड के अंदर जो सेक्शन जो है वो किसी को भी जहर देने से मुतालिक है। फिर उस सेक्शन की वर्डिंग्स क्या आती वो हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम आ गए थे कि कौन सी चीज पॉइजन है क्या, उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे। So there are no certain boundaries between drugs and poison. Nowadays, drugs are also can be used as a poison. तो ये हमने पढ़ लिया था। अच्छा अब टॉक्सिनोलॉजी पे हम आ गए थे, यहाँ तक तो आ गए थे। अच्छा it is science we deal with the toxin or product of plants, animals, bacteria, fungi, which are harmful to the human body. अच्छा अब हम सुसाइडल पॉइजंस की तरफ आते हैं कि विच टाइप ऑफ पॉइजंस आर कॉल्ड टू बी सुसाइडल पॉइजन। उसके अंदर हमारे पास जो है ये, आपको अब तो स्लाइड नजर आ रही है ना मेरी, या अभी भी नहीं? अच्छा आ रही है, हाँ ठीक है ना। ऑर्गेनिक है, ठीक है। ओलियंडर है, इसमें हमारे पास अफीम है, अफीम की भी अगर मिकदार थोड़ी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि अफीम वैसे तो जो है वो ऑपरेशंस के दरमियान इससे मेडिसिन बनाई जाती है जो कि काम करती है उसके लिए, जिससे सुन वगैरह किया जाता है ताकि बंदे को कम तकलीफ हो, ऑपरेशन के दरमियान ये इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए और ज्यादा हो जाए तो फिर जो है बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है ये अभी आ रहे हैं स्टूडेंट्स और। अच्छा तो फिर अगर उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो सुसाइडल में लेंगे या कोई अगर कोई दूसरा भी बंदा दे दे फिर? नहीं होता ये है कि जो मेडिकल टेस्ट होता है ब्लड टेस्टिंग की जाती है, ब्लड टेस्टिंग से पता चलता है कि ये बंदा हैबिचुअल है या नहीं। अच्छा हैबिचुअल अगर बंदा है और वैसे ही ले रहा है उस दरमियान उसकी डेथ काज हो गई तो फिर तो ये तो बंदा खुद उसने खुद अपने आप के लिए मुश्किल पैदा की है, यानी इसके अंदर फिर किसी और का जो है वो अमल दखल तो नहीं हुआ ना, फिर ये सुसाइडल। हमारे पास सारे शहीद हैं। अच्छा मैम और फिर ये एनेस्थीसिया होती है तो ये फिर नेग्लिजेंसी हो जाती है किसी और की, जैसे डॉक्टर्स वगैरह करते हैं? हाँ ये हो सकती है बिल्कुल, एनेस्थीसिया की अगर, हाँ एनेस्थीसिया जो है अगर ज्यादा मिकदार में दे दिया जाए उससे भी डेथ काज हो सकती है, बिल्कुल ये बात आपकी सही है। और ये बिल्कुल जो है ये एनेस्थेटिक, इसलिए जो है एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट होते हैं अलग से, आम डॉक्टर्स जो है वो एनेस्थीसिया नहीं देते, एनेस्थेटिक जो है वो डॉक्टर्स अलग होते हैं वैसे, तो इस वजह से उनको जो है वो कहा जाता है कि जनाब वो जो खास तौर पर इस चीज से डील करते हैं उनको जो है कहा जाता है कि आप वो खास। अच्छा जो हमारे पास सुसाइडल पॉइजंस हैं आइडियल समझे जाते हैं वो, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था मस्ट बी चीप, इजी टू परचेज, कैपेबल ऑफ बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन एनी फूड या ड्रिंक के जरिए लिया जा सकता है उसको, और उसका ज्यादातर प्लेजेंट हो टेस्ट, स्मेल
और लीथल डोज जो है वो बिल्कुल कम होनी चाहिए, यानी कम मिकदार में लेने से जो है बंदे की जिंदगी जो है वो खत्म हो सकती हो। और उसके अलावा जो है लीथल पीरियड शॉर्ट हो, पेनलेस हो। अच्छा, ये जो है वो आइडियल पॉइजन अगर कोई देखा जाए जो ज्यादातर जो है लोग सुसाइडल पर्पस के लिए यूज करते हैं, तो उसमें ये सारे के सारे पॉइजन के अंदर ये क्वालिटी जरूर होगी। अच्छा, मैं आप लोगों का जो है वो माइक म्यूट कर दूं, मेरा ख्याल है आप लोगों की आवाज बड़ी आ रही है वहां से। ये हमजा बता मीजे के माइक पे आवाज है। चलो ओके, फर्दर कंटिन्यू करते हैं। होमोसिडल पॉइजंस के अंदर जो है वो क्या चीजें होंगी खासतौर पर? होमोसिडल पॉइजंस में जो खासतौर पे चीज सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो यही होगी कि उसके अंदर एक तो उसका जो जायका हो, टेस्ट जो हो वो ऐसा हो कि जिसको भी एडमिनिस्टर किया जाए उस बंदे को पता ना चले कि ये उसको जहर दिया जा रहा है, यानी उसका उसकी जो स्मेल वगैरह हो वो या उसका जो टेस्ट हो वो ज्यादा खराब ना हो। अच्छा, ये सेशन शायद एक्सपायर होगा या क्या वजह हो गई कहा अटेंडेंट नहीं, अभी चल रही है मीटिंग तो टाइम अभी ओवर हुआ नहीं है हमारा, 40 मिनट का टाइम है। ठीक है, 10 मिनट्स अभी हमारे पास हैं तो 40 मिनट्स की हमारी क्लास है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं बस थोड़ा सा। अभी तक देखें ना आपके स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अभी इनको भी तो देखें आप कहें कि भाई प्रॉपरली टाइम पर आकर जो है वो क्लास में ज्वाइन करें। अब इनको एडमिट करते रहें बैठ कर या फिर क्लास में। ओके, इसके अंदर क्या है कि वही के चीप हो, सस्ता हो और इजीली अवेलेबल हो, कलरलेस हो, ओडरलेस हो ताकि आराम से उसको जो है डिस्ट्रक्ट किया जा सके, टेस्टलेस हो ताकि खाने पीने की चीज में उसको मिलाया जा सकते हैं, मस्ट बी कैपेबल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग फूड एंड ड्रिंक। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। सिम्टम्स शुड बी रिजेंबल टू सम डिजीज, यानी किसी को पता ना चले कि जहर दिया गया है। और लीथल डोज जो हो, अच्छा वो जो है वो लीथल डोज उसकी जो है वो कम होनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि आपकी अटेंडेंस लगा लेते हैं क्योंकि ये जो है वो हमारा टाइम अब तकरीबन खत्म होने वाला। ठीक है, आप लोगों की जो है वो ई पोर्टल के ऊपर ये जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसको मैं शेयर कर दूंगी, आप लोग उसके ऊपर जो है उसको पढ़ भी लीजिएगा एक दफा। वैसे हम लोग ये पढ़ भी चुके हैं पहले भी, लेकिन फिर भी आप इसको एक दफा पढ़ लीजिए। ठीक है। अच्छा, और आपके दोनों दोनों जो सेक्शंस का सीआर है उसको बोलो कि ये जो जब भी हमारी ये क्लास हुआ करेगी तो उसका काम ये होगा कि उसके पास कोई अटेंडेंस शीट वगैरह है या नहीं, ये पुरानी कोई पड़ी है? नहीं मैम, पुरानी कोई पुरानी अटेंडेंस शीट पड़ी है आप लोगों को? बस मैडम, बी सेक्शन के सीआर के पास है। बी सेक्शन वाली आ है वो, ये कहो ना उन्होंने ते जो आया ना अटेंडेंस को मेंटेन कर दो सिस्टम पे बोला। ओके मैम, लिख के रे मोकलिन दा मैम पेज पे। हां, ये जो है ना असावट हियर पार्टिसिपेंट्स जो आए वो 83 आए, वो तवा हमारे लिए इधर नेटवर्क की वजह से। भाई अब हम क्या कर सकते हैं मैडम, सब बच्चे झूठ बोलते हैं, सबके पास इंटरनेट है, सब कुछ अच्छा। अभी जो है ये मैं सब लोगों की अटेंडेंस की पिक ले रही ताकि ये मेरे पास भी तो सबूत हो ना कि भाई हाँ आप लोग थे भी सही या नहीं थे क्लास में। काफी बच्चे
रहने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा उनसे लेट की वजह से। झूठ मैडम झूठ बोल रहे सारा दिन उल्टी उल्टी चीजें वो आ नहीं पा रहे क्या क्या नहीं हो पा रहा हो रहे हैं लेकिन नहीं कोशिश करो ना आप ऐसे थोड़ी होता है कोशिश करोगे आप तो सारे काम हो जाएंगे ठीक है अटेंडेंस एक अभी मैंने पिक्स ले ली आप लोगों की तो पार्टिसिपेंट्स की सबकी मैंने जो है अटेंडेंस ले ली है इसको आप शेयरिंग कर देते हैं ताकि मेरे पास यहाँ पूरे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट आ जाए वो जो लिस्ट आती है ना मैम उसका स्क्रीनशॉट ले लूं हां वो मैंने ले लिया स्क्रीनशॉट में ले रही हूं लेकिन साथ के साथ आप अपने पास वो एक कर लीजिएगा फिर मैं आपसे ले लूंगी ठीक है एक अभी आप अटेंडेंस लगा ले यार स्क्रीनशॉट निकाल लेगा एसपीआर का काम नहीं है ऑनलाइन पे भाई चलता है भाई इस वक्त 83 की लिस्ट आ रही है हां 48 मैम अब टेंशन नहीं है अटेंडेंस सबकी कंप्लीट हो जाएगी मैम देखे छोकरा चंदा और वापस चले आता है मैम हुए ताने विजिटिंग है ना बस विजिटिंग फैकल्टी है हां उसनन के चाचा वो ता खबर क्लास में भी यही थी ऑनलाइन वन शायद नेट इशू हो गए मैडम सेशन एंड करें मैडम ये सब बच्चे बकवास करेंगे अच्छा अभी अटेंडेंस कनेक्ट कर दिया ने सबको म्यूट करें सबको जोनी सिंह के चलो भाई ये सब लोग की अटेंडेंस हो गई है मैंने तो अपने पास ही पिक्स ले लिया अभी सीआर तुम लोग भाई ये करके मुझे दे दो शीट के ऊपर लगा के वो स्क्रीनशॉट दिखाए देखें हमारी लगी है पता नहीं मैम स्क्रीन भाई मेरे पास है सबके पास मेरे पास सबके हैंगे अब ओके मैम फिर भी आपको हम भेजते हैं लिख कर मैम बता देते हैं भाई ये इसके ऊपर मार्केट में हुआ कनवर चैट में भाई ये एक्सपायर हो गई है सेशन एक्सपायर हो गया आप लिख कर मेरे पास जो है वो भेज दो ठीक है वाह ना जो हक नवा सुजो तो मतलब ए सेक्शन जी लिखे वो कल आई एम बी बी सेक्शन जी जको आ सो जो का सी आर ऊपर नहीं लिखे मैडम लीक करते हैं सेशन लीक करते हैं क्या होता सेशन एंड तो सर कौन सा अटेंडेंस कौन सा मैडम नेक्स्ट क्लास के वाला